हेलो एवरीवन टुडे इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर चैप्टर सेकंड दैट इज चिल्ड्रन एट वर्क एंड इट इज टेकन फ्रॉम बुक इट सो हैपन सो लेट्स स्टार्ट बिफोर यू रीड देर आर मैनी रीजंस व्हाई चिल्ड्रन हैव टू वर्क बहुत सारी रीजंस होते हैं जो बच्चे हैं उनको क्यों काम करना पड़ता है सम हेल्प देयर फैमिली मेक अ लिवलीहुड कुछ जो है अपनी फैमिली की हेल्प करते हैं अदर्स हु रन अवे फ्रॉम अनहैप्पी होम्स नीड टू सपोर्ट देमसेल्फ दूसरे जो अपने घर से भाग जाते हैं उनको अपने सपोर्ट के लिए काम करना पड़ता है चिल्ड्रन हैव टू वर्क कांड गो टू स्कूल और वो बच्चे जिनको काम करना पड़ता है वो स्कूल नहीं जा पाते एंड प्ले लाइक अदर चिल्ड्रन ऑफ देर एज ना ही खेल पाते हैं दूसरे बच्चों की तरह जो उन्ही की एज के होते हैं पार्ट वन वेलू एंड इलेवन ईयर ओल्ड बॉय रन अवे फ्रॉम होम वेलू जो 11 साल का लड़का है वो घर से भाग जाता है ही वंडर्स अराउंड फोर आवर्स बिफोर गेटिंग ऑन अ ट्रेन टू चेन्नई विदाउट अ टिकट और वो घंटों वहां पर घूमता रहता है क्योंकि उसको ट्रेन में चढ़ना होता है चेन्नई की और उसके पास टिकट भी नहीं होती टायर्ड एंड हंग्री ही डज नॉट नो वेयर टू गो अ स्ट्रेंजर एट द स्टेशन शाउट्स अ वर्ड ऑफ वेलकम बेचारा थका हुआ होता है भूखा होता है उसको ये नहीं पता होता कि कहाँ जाना है तभी एक जो स्ट्रेंजर अजनबी की स्टेशन पर आवाज सुनाई देती है और उसके वेलकम के लिए नाउ वेन द कन्याकुमारी एक्सप्रेस पुल्ड इन एट चेन्नई सेंट्रल इट some वेलू to गेट ऑफ जब कन्याकुमारी एक्सप्रेस चेन्नई सेंट्रल पर पहुंचती है तो वेलू को काफी समय लग जाता है उसमें बाहर आने में वेन ई फाइनली स्टूड ऑन द प्लेटफॉर्म एज इफ ही वॉज स्टिल ऑन अ मूविंग ट्रेन जब वो फाइनली प्लेटफॉर्म पर उतर जाता है तो अभी भी उसके पैर जो है वो काप रहे होते हैं वॉबली क्या होता है अनस्टेडी दैट मीनस हिल रहे होते हैं ऐसे ही जैसे कि अभी भी वो ट्रेन में चढ़ा हुआ है ओ आउट ऑफ द वे अ पोटर वैंड बाय विद अ लॉडी ट्रॉली एकदम से आवाज आती है हटो हटो रास्ते से क्योंकि एक पोर्टर जो होता है वो एक भरी हुई ट्रॉली को वहां से ले जाता होता है वेलू जम्पाइड वेलू कूद कर दूसरी तरफ हो जाता है ही ऑन ऑन अ बेंच द प्लेटफॉर्म पुटिंग स्मॉल बंडल डाउन वो एक बेंच पर बैठ जाता है प्लेटफॉर्म के और अपना छोटा सा जो बंडल वो लेके आया होता है वो रख देता है नीचे इन ऑल इज इलेवन इस ही हैड नेवर सीन सो मैनी पीपल एक्सेप्ट वंस अ ईयर एट द फेयर इन हिज विलेज अपने ग्यारह सालों में कभी भी उसने इतने सारे लोग इकट्ठे नहीं देखे थे सिवाय एक बार साल में जब वो मेले में गया था किसी गांव में तब देखे थे पीपल वॉक बाय जम्पिंग इन टू हिम विदर सूट केसेस जो लोग थे वो बिचारे इधर उधर चल रहे थे उसके ऊपर से कूद रहे थे अपने सूट केसेस के साथ अ वॉइस अनाउंस समथिंग ऑन अ लाउड स्पीकर उसी वक्त एक लाउड स्पीकर पर एक वॉइस की अनाउंसमेंट हुई नियर हिम A group of people sat on. Yes, word meanings are pulled in means arrived and wobbly means unsteady. Their luggage, looking at a TV hanging from the roof. उसके पास ही बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने सामान पे बैठे होते हैं लगेज मीन्स उनका सामान और टीवी की तरफ देख रहे होते हैं जो कि एक दीवार से टंगा होता है द नॉइस वॉज टेरिबल जो नॉइस होती है शोर होता है वो काफी खराब होता है वेलू पुट जो है अपना सिर झुका कर बैठ जाता है अपनी नी के ऊपर और अभी उसको miserable feel होता है that means उसको बुरा लगता है दुखी होता है वो एन एग्जॉस्ट और वो परेशान होता है ही हैड रन अवे फ्रॉम हिज विलेज टू डेज एगो वो अपने घर से कब भागा था पिछले दो दिन पहले एंड फॉर टू डेज ही हैड इट अथिंग बट समीनट एंड अ पीस ऑफ जैगरी और दो दिनों से उसने कुछ नहीं खाया था सिवाय मूफली के और पीस ऑफ जैगरी होता है के इन बंडल ही कैरीड अ अ अ शर्ट टॉवल एंड ने अपने बंडल में एक शर्ट ली हुई थी एक टॉवल तोलिया लिया हुआ था एंड अ अकम एक कंगी ली हुई थी ही हैड वॉक फॉर मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डे टू कन्नूर एंड देन गोट ऑन द ट्रेन टू चेन्नई वो पहले दिन तो कन्नूर में ही भटकता रहा और उसके बाद उसने ट्रेन ली कहा के लिए चेन्नई के लिए वेलू हैड नो मनी फॉर अ टिकट बट लकीली द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू द अनरिजर्व कंपार्टमेंट वेलू के पास टिकट के लिए पैसे ही नहीं थे बट वो लकी था कि टिकट कलेक्टर जो था वो उसके कंपार्टमेंट में जो कि अनरिजर्व कंपार्टमेंट था वहां आया ही नहीं ही हैड ट्राई टू स्लीप ऑन द फ्लोर नियर द डोर उसने ट्राई भी किया कि वो कहाँ सो गया दरवाजे के पास में ही सो गया अ ग्रुप ऑफ मैन नेक्स्ट टू हिम हेड प्लेट कार्ड एंड शाउटेड ओल नाइट और बहुत सारे जो लोग थे वो क्या कर रहे थे कार्ड खेल रहे थे और पूरी रात उन्होंने काफी शोर मचाया ए बट न्यू टू हे कॉल्ड आउटर ऑफ वॉइस वहां से एक आवाज आती है ए क्या नए हो यहाँ पर वेलू ओपन देर वर अट ऑफ पीपल स्टैंडिंग अराउंड बट नो बड़ी वॉज लुकिंग एट हिम वेलू अपनी आंखें खुल के देखता है वहां बहुत सारे लोग होते हैं उसके चारों तरफ बट कोई भी उसको देख नहीं रहा होता है हेयर ए यहां देखो हिटर्न अराउंड जैसे ही वो मुड़ के देखता है बिहाइंड हिम अ गर्ल अराउंड इज आउन एज वियरिंग अ लॉन्ग बनियान दैट कम डाउन टू हर नीज उसके बिहाइंड मतलब पीछे ही एक लड़की खड़ी होती है जो कि लगभग उसी की एज की होती है और उसने एक लंबी सी बनियान पहनी होती है जो उसकी नीज यानी घुटने तक आ रही होती है हर हेयर्स वॉज स्टिफ एंड ब्राउनिश एंड शी हैड अक ऑन वन शोल्डर उसके जो बाल होते हैं वो काफी स्टिफ मतलब गंदे से ब्राउन कलर के होते हैं और उसने एक बड़ा सा थेला ले रखा होता है सेक मींस थेला अपने एक कंधे पर ले रखा होता है शी वो स्पीकिंग अप डी प्लास्टिक कप फ्रॉम द फ्लोर वो क्या काम करती है वो क्या करती थी जो गंदे गंदे प्लास्टिक कप्स होते थे फ्लोर पे जो गिरे होते हैं उनको उठाने का काम करती थी एंड स्टफिंग दैम इन टू सैक और उनको उठाकर अपने थेले में डाल लेती थी वाई इज शी कॉलिंग मी थॉट वेलू सोचता है ये मुझे क्यों बुला रही है एंड वाई इज अ गर्ल वियरिंग अ बनियान और ऐसी कौन सी लड़की होती है जो बनियान पहनती है नो डीड टू स्टेयर्स टू पिटली वट इज योर नेम अब वो लड़की कहती है ऐसे पागल की तरह मुझे मत देखो तुम्हारा नाम क्या है वेलू मटर्ड, वेलू लुकिंग अवे वेलू जो है बेचारा सर धीरे धीरे से बोलता है मेरा नाम वेलू है और उसकी तरफ देखता है सो so, मिस्टर वेलू सेट द गर्ल लुकिंग एट हिज बंडल रन अवे फ्रॉम होम अच्छा मिस्टर वेलू लड़की कहती है उसके बंडल को देखकर घर से भागी हो क्या वेलू डिड नॉट आंसर, वेलू आंसर नहीं करता ही डिड नॉट वॉन्ट टू टेल स्ट्रेंज गर्ल वट ही हैड डन क्योंकि वो किसी अजनबी लड़की को ये नहीं बताना चाहता था कि उसने क्या किया ही रन अवे बिकॉज ही कुड नॉट स्टैंड हिज फादर बीटिंग हिम फॉर वन मोर डे क्योंकि वो इसलिए भागा था उसके जो फादर थे उसको रोज मारते थे और वो उनकी पिटाई एक और दिन सहर नहीं कर सकता था हिज फादर वुड स्नेच अवे ऑल द मनी वेलू एंड सिस्टर्स आन एंड स्पेंट इट ऑन ड्रिंक उसके जो फादर थे स्नैच अवे होता है छीन लेना वो वेलू से और उसकी बहन से जितने भी पैसे थे वो छीन लेते थे और अपनी ड्रिंक्स पर खर्च कर देते थे डोंट थिंक आई डोंट नो ऐसा मत सोचो कि मुझे कुछ नहीं पता दिस प्लेस इज फुल ऑफ चिल्ड्रन लाइक यू ये जगह जो है वो तुम्हारे जैसे बच्चों से भरी हुई है सो वट आर यू गोइंग टू डू हेयर तो तुम यहाँ क्या करने आए हो बिकम रिच अच्छा अमीर बनने आए हो शी सेट डाउन नेक्स्ट टू हिम अब वो जो लड़की है वो वेलू के पास आगे बैठ गई वेलू शिफ्टेड अवे स्लाइटली वेलू धीरे से उधर से हट जाता हैंगरचि विद्रीम्स अब बेचारा भूखा होता है इसलिए अपना जो पेट है वो दबारा होता है ग्रीमेस क्या होता है ट्विस्टेड एक्सप्रेशन ड्यू टू पेन जैसे हमारे फेस पर एक्सप्रेशन आ जाते हैं जब कोई भूखा है या पेन के तो वो उसके एक्सप्रेशन शो होने लग जाते हैं हंगरी आज तक अब लड़की कहती है अच्छा अब भूख लग रही है यू वॉन्ट गेट फूड बाय सिटिंग ग्लमली मेकिंग फेसेस तुम्हें यहां बैठे बैठे कोई खाना नहीं दे देगा अगर ऐसे तुम ग्लमी से फेस बनाते रहोगे आई कैन फाइंड सम इफ यू वॉन्ट हाँ मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो शी पिक्ड अप हर सैक एंड स्टार्टेड टू वॉक अवे अब वो लड़की जो थी अपना थैला उठाकर उसने चलना शुरू कर दिया वेलू स्टेड ऑन द बेंच वेलू अभी भी बेंच पे बैठा हुआ था बट शुड ही करता शुड यू फॉलो दिस गर्ल क्या उसको इस लड़की को पीछा करना चाहिए वेर वो शी गोइंग टू टेक हिम अभी कहा लेके जाने वाली थी वेलू को शी वॉज डिस अपियरिंग इन टू द ग्राउंड थोड़ी देर बाद वो लड़की जो है भीड़ में गायब हो गई सो ही हैड टू मेक अप हिज माइंड क्विकली अब उसको ये जल्दी से सोचना था कि उसको क्या करना है ऑल राइट right, ही डिसाइडेड तभी उसने डिसाइड किया एनी वे आई हैव नो आइडिया वेयर टू गो हाँ ये बात सच है कि इसका कोई आइडिया नहीं है कि मेरे को कहाँ जाना चाहिए ही jumped up अप एंड रैन आफ्टर हर वो कूद कर खड़ा होता है और उसके पीछे भागता है शी was नॉट इवन लुकिंग बैक टू सी वेयर ही was। लड़की पलट कर देखती भी नहीं कि वो पीछे आ रहा है या नहीं